नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। हमारे साथ आज मौजूद हैं खाप के प्रतिनिधि, जो कल एक मुद्दा पीटीआई भर्ती जो मुद्दा था कल गरमा गया था। तो हमारे साथ सबसे पहले तो सर आपका नाम बताएंगे। मैं फकीर चंद प्रधान, सर्वजातीय अभिनयन खाप कालून तपा, नाम ये है जी मेरा। तो जी जैसा कि आज धरने से हम पंचायती हमारे आदरणीय उड्डा खाप के प्रधान हैं, इनकी अगुवाई में तहसीलदार साहब से मिलने गए, क्योंकि डीसी साहब छुट्टी की वजह से नहीं थे। तो वहाँ हमें आश्वासन मिला कि भाई एक घंटे के बाद डीसी साहब से मेरी बात हो ली तो इसका बदिया वो करेंगे, रंगीराम को रिहा करने के लिए हम प्रयास जारी है पूरा सरकार का। तो ऐसा है जी, जैसा कि धरने से पहले ही हमारी पंचायत ने रंगीराम के साथ एक फैसला समझौता पंचायत का हो चुका था कि भाई मैं आत्मदाह नहीं करूंगा। जैसा कि अखबार मीडिया के माध्यम से सबको पता है, रंगीराम ने ये अल्टीमेटम दिया था भाई मैं आत्मदाह करूंगा, लेकिन पंचायत में ये समझौता हो गया भाई मैं नहीं करूंगा। उसके बाद भी जब रंगीराम यहाँ धरने पर आया तो वहाँ प्रशासन के लोगों ने ज़बरदस्ती करी और पानी फेंक के उस पर या वैसे डराने की कोशिश करी, आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश करी। ये निंदनीय घटना थी बहुत, खाम खां एक बेकसूर आदमी को मुजरिम बना जा रहा है। रंगीराम एक पंचायती आदमी है, खाप का पूर्व प्रधान है, पंचायतों में बड़े बड़े फैसले करवाता है, बहु बेटियाँ रोड़े झगड़े हर तरह से सक्षम है। पंचायत में पंचायत की मुख्य भूमिका होती है प्रशासन को चलाने में, शांति रखने में। अभी क्या आश्वासन दिया डीसी साहब? डीसी साहब के बारे में आश्वासन दिया तहसीलदार साहब ने जी, डीसी साहब तो नहीं मिले जी। तो अभी दिया वह शाम तक, डीसी साहब से मेरी बात हो ली, वह शाम तक हम इस निर्णय पे पहुंचेंगे, रिहा करवाएंगे। और क्या निर्णय चाहते हैं आपकी पंचायत? रंगीराम को रिहा किया जाए, रंगीराम तो रिहा हो जाए आज या कल जैसे भी जी। आपकी शर्त, किस शर्त पे इसको रिहा किया जाए? बिना शर्त, बिना कोई जमानत नहीं कराएंगे हम, बिना सर कोई केस दर्ज नहीं किया जाए इसके खिलाफ। आपके पास क्या वजह बात है कि जिससे आप ये कह रहे हो रंगीराम ने के ऊपर किसी ने तेल या पानी कुछ डाला गया? क्या आपके पास कोई सबूत है इस बात का? हमारे पास सबूत है, जो मौके पर लोग हैं, जो कर्मचारी कर्मचारी पीटीआई संघ की जो यूनियन है, इन्होंने हमें बताया है कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई है वहाँ पर। जब ये पीटीआई जो लेडीज हैं, बहु बेटियाँ हैं, ये भाग के गई हैं छुटाने के लिए, इन पर भी लाठियां चलाई गई हैं। तो आप, उन्होंने हमें बताया है कि भाई ऐसे ऐसे बात थी। आप जैसे आंदोलन की बात कर रहे हैं जी, क्या अगर इस वजह आपको प्रशासन की तरफ से कोई उचित निर्णय नहीं मिलता तो क्या आप शासन से बात नहीं करेंगे इसके बाद? नहीं होगी बात। वजह की कार्रवाई क्या होगी इसके आगे की? और एक खाप पंचायतें इकट्ठी होकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। क्या वजह होगी कि आप प्रशासन से भी बात नहीं करना चाहेंगे? प्रशासन से बात करें, बार बार क्या बात है? नहीं, शासन से, सरकार से आप बात क्यों नहीं करेंगे? सरकार से तो प्रशासन करेगा, प्रशासन करेगा, डीसी साहब करेंगे। आप, आपका कोई नहीं जाएगा इसमें बात करने? शासन से नहीं जाएगा, बुला होगा तो जाएंगे। अभी आगे की आपकी कब तक आपने जैसे टाइम मिला डीसी साहब से, अगर उस टाइम पीरियड में कोई भी डिसीजन नहीं आता है तो आप कब तक आगे का जो आंदोलन है क्या रूपरेखा होगी और कब तक आप लागू? कल से पूरी खापों के प्रधानों को मिलेंगे, वहाँ चिट्ठी लेटर जारी करवाएंगे पंचायतों का, कहीं स्थान चुनकर हेडक्वार्टर बनाएगा, आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। आपका शुभ नाम सर? फकीर चंद नैन प्रधान, कालवन तपा, बनियान खाप। धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू सर। जैसा कि हम आपको लाइव तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे थे कि जो ये आपको दिखाई जा रही थी, बनैन खाप के जो प्रधान थे, जो उन्होंने अपना जो बयान अभी दिया है, उनको आश्वासन जो मिला यहाँ पर, वो आश्वासन उनको अभी 5 बजे तक का टाइमिंग जो मिली है तहसीलदार साहब, उनको इसके बाद में क्या आगे की कार्रवाई की जाएगी तभी इसका फैसला लिया जाएगा। तो बने रहिए आगे की न्यूज़ के लिए, बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।